हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू 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 टॉक्स इफ यू आर न्यू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस पोस्टर इज गिवन हेयर यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है यू कैन सी दिस पोस्टर वेयर एम आई यूज मैं कहाँ कहाँ यूज होता हूँ तो ये क्वेश्चन कौन कर रहा है पेट्रोलियम पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे पेट्रोल है डीजल है केरोसिन है कोल तार है वैक्स है तो ये सब चीज़ें एक पेट्रोलियम से ही निकलती हैं और इन सभी प्रोडक्ट्स का यूज़ अलग अलग तरह से किया जाता है जैसे फॉर ड्राई क्लीनिंग कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए पेट्रोल यूज़ किया जाता है फॉर लाइटिंग केरोसिन का यूज़ किया जाता है एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल ठीक है पेट्रोल और डीजल का या एरोप्लेन फ्यूल का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए मशीन्स को चलाने के लिए केरोसिन और एलपीजी एलपीजी क्या होती है आपकी कुकिंग गैस जिससे आप खाना बनाते हो ठीक है तो इन सब में पेट्रोलियम से बने प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है चलिए अब आगे देख लेते हैं वट फॉर ऑयल इज यूज अभी अभी जो हमने किया उसी

और इसके अलावा फैक्ट्रीज में मशीन्स को चलाने के लिए भी डीजल का यूज किया जाता है दिव्या रोटा अ तो पॉइम दिव्या ने एक पॉइम लिखी तो चलिए उस पॉइम को पढ़ लेते हैं हु एम आई मैं कौन हूं आई एम ब्लैक आई एम थिक आई फ्लो हु एम आई डू यू नो मैं काला हूं मैं गाढ़ा हूं मैं बह सकता हूं फ्लो मीन्स बहना हु एम आई मैं कौन हूं डू यू नो क्या तुम जानते हो I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. अगर तुम मुझे सावधानी से इस्तेमाल करोगे तो मैं काफ़ी लंबे समय तक रहूँगा और मैं बहुत सारी सेंचुरीज मतलब सैकड़ों वर्षों में बना हूँ पर मैं हमेशा के लिए नहीं रहूँगा I light your lamps, I cook your food, I run your machines, fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? मैं तुम्हारे लैंप्स को जलाता हूँ खाना बनाता हूँ मशीन्स को भी चलाता हूँ और तुम्हारे प्लेन्स में भी स्काई में तुम्हारे प्लेन्स में फिल करके मैं उन्हें उड़ाता भी हूँ हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई लोगों के लिए मुझसे ज्यादा यूजफुल आज कौन है इफ नॉट used विद केयर आई won't ऑलवेज बी देयर अगर मुझे सावधानी से इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं हमेशा नहीं रहूँगा विल दे फाइट ओवर मी वॉट इज लाइफ विदाउट मी और मेरे लिए झगड़ा भी होगा और मेरे बिना लाइफ कुछ भी नहीं होगी आई एम ब्लैक आई एम थिक आई फ्लो आई डू यू नो तो ये थी पोएम जो पेट्रोलियम अपने बारे में सुना रहा है ठीक है आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी तो चलिए आगे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन वट वुड हैोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन क्या होगा अगर तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर में एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल ना मिले इफ पेट्रोल फॉर एरिया द डिफिकल्ट फॉर एवरी वन हर किसी के लिए लाइफ जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वुड बिकम टू और स्टैंड स्टिल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं वो खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको क्या चाहिए डीजल और पेट्रोल ठीक है तो वो सब खड़े हो जाएंगे Small big factories will have to stop operation. और और छोटी बड़ी सारी को अपना काम बंद करना पड़ेगा खड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फ्रॉम जनरेटर केस ऑफ पावर फेलियर अगर पावर फेलियर हो गया तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेंगे क्योंकि जनरेटर में क्या चाहिए होता हमें डीजल सजेस्ट टू सेव ऑयल ऑयल को सेव करने के लिए कुछ तरीके बताइए फर्स्ट है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल अपने खुद के व्हीकल के बजाय आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस ट्रेन या मेट्रो को यूज़ करना है सेकेंड है प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग इफ यू नीड टू गो शॉर्ट डिस्टेंसेज अगर आप छोटी दूरी तय करने जा रहे हो मतलब आसपास की जगह पर जा रहे हो तो आप या वॉकिंग करके जाइए या साइकिलिंग करके जाइए स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल ऑन ब्रेड लाइट ब्रेड लाइट पर आपने अपने व्हीकल का इंजन बंद कर देना है यूज सोलर एनर्जी वेयर एवर पॉसिबल जहाँ पर भी पॉसिबल हो आप सोलर एनर्जी का यूज करें पल्स राइस एट्सेट्रा शुड बी सोक्ड इन वाटर बिफोर कुकिंग दाल चावल को पकाने से पहले उन्हें पानी में भिगो लेना चाहिए उससे क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाते हैं नरम हो जाते हैं और इससे हमारी गैस की बचत होती है नेक्स्ट इज वुड फॉर चूला दुर्गा लिवस इन अ विलेज इन हरियाणा दुर्गा हरियाणा के गांव में रहती है एवरी डे स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर चूल्हा और हर रोज वो कई घंटे अपना चूल्हा जलाने के लिए इकट्ठे करने में बिता देती फॉर द पास्ट मंथ शी हैज़ अ कफ और पिछले तीन महीने से उसे कफ यानी कि खांसी भी है देर इज अ लॉट ऑफ स्मोक वेन डैम वुड इज बॉन्ड जब गीली लकड़ी को जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है स्मोक मीन्स धुआं बट दुर्गा डॉट है दुर्गा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर उनके पास खाने के लिए ही पैसा नहीं है तो वो लकड़ियों के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे डिस्कस करना है क्या आपने कभी सूखी लकड़ी इकट्ठी की है या फिर काउडंगक्स के क्या होते हैं गोबर के उपले वो बनाए हैं हाउ आर दे कैसे बनते हैं ये yes, आई हाँ, मैंने सूखी लकड़ी तो इकट्ठी की है सर्दियों में उसे जलाने के लिए आई हैव नेवर मेड काओड केक्स मैंने केक्स यानी कि गोबर के उपले कभी नहीं बनाए हैं बट हैव सीन सम लेडीज मेकिंग दैम लेकिन कुछ लेडीज को बनाते हुए देखा है हे इज विद काउ डंग गोबर के साथ भूसा मिला दिया जाता है एंड द मिक्सचर इज गिवन अ शेप ऑफ केक और अब इस मिक्सचर को एक केक की शेप दे दी जाती है इट इज सन ड्राइड टू मेक काउ डंग केक्स और फिर इसे धूप में सुखा दिया जाता है डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट ड्राईवुड और लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटिंग अ चूल्हा क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां पत्तों को इकट्ठा करता है

इन योर फैमिली आपकी फैमिली में खाना कौन बनाता है मदर बनाती है माई मदर कुक फूड इन द फैमिली वट अबाउट अदर फैमिलीज़ इन योर एरिया और आपके एरिया में और फैमिलीज में कौन बनाता है इन अदर फैमिलीज़ इन माई एरिया द लेडीज़ कुक फूड लेडीज ही बनाती है इन सम होम सर्वेंट ऑल्सो कुक फूड और कुछ घरों में नौकर भी खाना बनाते हैं इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला वट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक अगर वो उपले और वुड यानी कि लकड़ियों को जलाकर खाना पकाते हैं तो उनके सामने क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्या -क्या आती हैं क्या-क्या मुश्किलें आती हैं द स्मोक फ्रॉम वुड और काऊ डंग केक क्रिएट्स मेनी डिफिकल्टीज इससे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जैसे कि कफिंग ठीक है कफिंग क्या होता है खांसी नौजिया घबराहट या उल्टी जैसा होना हेडेक सर दर्द और लंग डिजीजेस हमारे फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड क्या दुर्गा वुड के अलावा और कुछ यूज़ कर सकती है यस दुर्गा कैन यूज काउडंग केक्स हाँ वो केक्स यानी कि उपले यूज कर सकती है बट शी कैन नॉट बाई कैरोसिन और एल पी जी लेकिन वो कैरोसिन या एल पी जी नहीं खरीद सकती शी इज़ टू पुअर टू बाई फ्यूल क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है टूडे अबाउट टू थर्ड पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले वुड एंड ड्राई ट्विक एट्सेट्रा आज हमारे देश में लगभग दो तिहाई लोग जो हैं वो उपले वुड मतलब लकड़ी या ड्राई ट्विग्स ट्विग्स क्या होती हैं छोटी छोटी रहनियाँ पेड़ों की उन सब से उन सबको इकट्ठा करके जलाते हैं दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड ये सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग गर्म रखने के लिए पानी गर्म करने के लिए हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग और रोशनी के लिए भी इनका यूज करते हैं मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम घर पर और बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए और सारी चीजें भी यूज की जाती हैं, जैसे कि कैरोसिन एल कोल और इलेक्ट्रिसिटी इनका इस्तेमाल भी बाकी एक्टिविटीज को करने के लिए किया जाता है कांचा सीन अबार चार्ट इन बुक काचा ने बुक में एक बार चार्ट देखा इस तरह से जैसे यहाँ पर दिखा रखा है द द चार्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ चार्ट हमें घरों के बारे में बता रख रह, रहा है दैट यूज यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल फ्यूल जो अलग अलग तरह का करते जैसे यहाँ पर देखिए उपले एंड वुड लिखा हुआ है यहाँ पर एलपी जी एंड कैरोसिन कोल इलेक्ट्रिसिटी इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज ओवर द पास्ट ट्वेंटी ईयर ये चार्ट ये भी शो कर रहा है कि पिछले 20 सालों में कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है और कौन से फ्यूल का इस्तेमाल घट गया है इनक्रीज मतलब बढ़ना डिक्रीज मतलब घटना देखिए ये वाला चार्ट जो है वो 1976 यानी सिक्स उन्नीस का है और ये वाला चार्ट नाइनटीन नाइनटी का है तो इन दोनों चार्ट से 20 इयर्स का गैप का पता लग रहा है और 20 इयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके भी पता लग रहा है तो यहाँ पर देखिए 100 हाउसेस दिखा रखे हैं तो 1976 में उपले और वुड 84 फोर हाउसेज यूज़ करते थे 10 हाउसेज़ एल पी जी एंड कैरोसिन फाइव हाउसेज कोल एंड वन हाउस इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल के बाद तो उपले एंड वुड जो है वो हो गए 75 फाइव एल पी जी एंड कैरोसिन बढ़ गए हैं पहले से तो ये हो गए कितने 18 कोल जो है वो कम हो गया है ये हो गया टू और इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट भी बढ़ गई है दैट इज़ फाइव तो पांच घर यहाँ पर हो गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इन ईयर नाइनटीन आउट ऑफ हंड्रेड हाउ मेनी हाउसेज यूज उपले वुड 1976 में सो में से कितने घर ऐसे थे जो उपले और वुड यूज करते थे 84 हाउसेस वाज़ फ्यूल इन 1976 में सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज होता था इलेक्ट्रिसिटी इन 1976 सेवेंटी सिक्स एल पी जी एंड केरोसिन वर यूज इन टेन हाउसेज और एल पी जी और केरोसिन दस घरों में यूज होता था एंड इन नाइनटी सिक्स दिस इंक्रीज टू एटीन और दस से बढ़कर कितना हो गया ये अट्ठारह दिस मीन्स दैट ट्वेंटी ईयरस देयर यूज इंक्रीज बाई एट्टी परसेंट तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका यूज एट्टी परसेंट बढ़ गया आउट ऑफ हंड हाउ many हाउसेज were यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी in नाइनटीन 1996 सिक्स उन्नीस सौ छियानवे में 100 में से कितने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती थी इन फाइव हाउसेज़ पाँच घरों में विच फ्यूल वॉज यूज द least इन नाइनटीन 1996 सिक्स उन्नीस सौ छियानवे में सबसे कम यूज होने वाला फ्यूल कौन सा था दैट इज़ कोल इन नाइनटीन it सिक्स इट वॉज यूज इन वट परसेंट ऑफ हाउसेज और उन्नीस सौ छिहत्तर में ये कितना परसेंट यूज़ किया जाता था दैट इज़ फाइव परसेंट नेक्स्ट है दे वर यंग तो ये क्वेश्चन आपने आप आपके एल्डर्स यानी कि दादा दादी से पूछना है दे वर यंग जब वो यंग थे जवान थे वट वॉज देन यूज टू कुक फूड एट होम तो वो घर पर खाना पकाने के लिए क्या यूज़ करते थे दे वर यंग जब वो यंग थे कोल वुड उपला वर यूज टू कुक फूड एट होम तो वो क्या यूज़ करते होंगे कोल वुड और उपले इन द पास्ट टेन ईयर्स पिछले दस सालों में यूज़ ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया आपके एरिया में कौन से कुकिंग फ्यूल का यूज़ बढ़ गया है इंक्रीज मतलब बढ़ना यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज और किसका यूज़ कम हो गया है डिक्रीज मतलब कम होना इन द पास्ट टेन ईयर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एल पी जी हैज़ इंक्रीज पिछले दस सालों में एल पी जी और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इंक्रीज हो गया वाइल्ड यूज ऑफ वुड उपला कोल डिक्रीज़। जबकि लकड़ी उपले और कोयले का इस्तेमाल डिक्रीज कम हो गया गेस द यूज ऑफ विच फ्यूल इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन नेक्स्ट टेन ईयर और गैस करो कि अगले दस सालों में कौन से फ्यूल का यूज इंक्रीज हो जाएगा मतलब कौन से फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और कौन से फ्यूल का इस्तेमाल डिक्रीज कम हो जाएगा आई गैस इन नेक्स्ट टेन ईयर्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एल पी जी वुड इनक्रीज एल पी जी और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा वेल दैट ऑफ वुड कोल एंड उपला विल डिक्रीज जबकि लकड़ी कोयले और उपलो का इस्तेमाल कम हो जाएगा सो स्टूडेंट्स हेयर आवर चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है कम्प्लीट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकती है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड बाय बाय